वेलकम टू ए बी सी कैंपस आर सब्जेक्ट इज कैफ थ्री बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर फिफ्टीन मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन एंड फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एंड स्टेटरी जनरल मीटिंग फ्रॉम स्टडी एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ काशिफी सो फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंपनी मीटिंग्स पर है और कंपनी मीटिंग्स में जो पहले दो पॉइंट्स हैं इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मीटिंग और स्टेटरी मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग और एस की पावर को उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे सो कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं उसकी ब्रॉड दो कैटेगरीज कर लें तो एक तो मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं और दूसरी जो है वो जनरल मीटिंग्स हैं हमारा इस चैप्टर के अंदर ज्यादा फोकस तो जनरल मीटिंग्स की तरफ होगा लेकिन क्योंकि कुछ कुछ जगह पर हम ऑलरेडी डायरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं तो और उनकी मीटिंग्स में भी कुछ चीजें सिमिलर हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे तो टू टाइप्स होती हैं मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स की एक जिन्हें हम बोर्ड मीटिंग्स कहते हैं और दूसरी जिसे मीटिंग्स ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं तो बोर्ड मीटिंग्स वो होती हैं जिसमें तमाम डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं उस मीटिंग को यानी पूरे तमाम के तमाम डायरेक्टर्स उस मीटिंग को अटेंड करने के इंटाइटल्ड होते हैं और उसमें वो मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं और मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर में तमाम डायरेक्टर नहीं होते सिलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं। एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कमेटीज में भी हो सकता है और हो सकता है कि कोई डायरेक्टर जो है वो ऐसा भी हो जो एज सच एक से ज्यादा कमेटी का हिस्सा नहीं है इन विच सेलेक्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क असाइन टू दो कमेटीज अब अगर हम कोड ऑफ़ कारपोरेट गवर्नेंस को देखें तो वहाँ पर इन कमेटीज़ की कम्पोजिशन के रूल्स वगैरह मौजूद हैं और जो टिपिकली एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की कमेटी बनी होती हैं वो होती हैं ऑडिट कमेटी ह्यूमन रिसोर्स एंड रिमोरेशन कमेटी नॉमिनीशन कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और इसके अलावा भी कमेटीज़ हो सकती हैं लेकिन ये फोर जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं जिनको हमने चेयर किया तो ये डायरेक्टर्स की दो टाइप की मीटिंग्स होंगी बोर्ड मीटिंग्स और कमेटी मीटिंग्स अब आते हैं मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स की तरफ तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं एक जनरल मीटिंग्स और एक क्लास मीटिंग जनरल मीटिंग्स वो होती हैं जिसमें ऑल द मेंबर्स आर हुईटल टू अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स में पार्टिसिपेट यानी इसमें भी हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हिस्सा ना ले रहे हो क्योंकि उनका वोट करने का राइट नहीं है तो जिनको अटेंड करने और वोट करने का राइट होता है एज पर आर्टिकल वो जनरल मीटिंग को अटेंड करते हैं कंपनीज में तीन टाइप की जनरल मीटिंग होती हैं स्टेट्यूटरी जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग जो कि हम सारी इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे उसके बाद है क्लास मीटिंग क्लास मीटिंग का मतलब होता है कि तमाम मेंबर नहीं बल्कि स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर फॉर एग्जांपल मीटिंग ऑफ प्रेफरेंशियर होल्डर्स अगर होगी तो वो क्लास मीटिंग कहलाएगी क्योंकि उसमें तमाम मेंबर्स नहीं है इसी तरह अगर एक जो है ऑर्डनरी शेयर होल्डर भी हैं एक कंपनी में और दो क्लासेज हैं क्लास ए और क्लास बी और सिर्फ क्लास बी शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग हो रही है तो फिर वो क्लास मीटिंग कहलाएगी वो जनरल मीटिंग नहीं कहलाएगी और ऐसी मीटिंग जिसमें तमाम मेम्बर्स जिनका अटेंड और वोट करने का राइट है वो मौजूद हैं वो जनरल मीटिंग कहलाएगी जनरल मीटिंग्स को जो चेयर करता है यानी प्रिजाइड करता है क्योंकि कोई भी मीटिंग होनी होती है तो एक पर्सन को आपको हेड बनाना होता है ताकि वो रेगुलेट कर सके मीटिंग को ताकि वो ये फैसला करे कि कौन सी बात पहले होगी कौन सी बात बाद में होगी डिस्कशन कैसे होगी अगर किसी जगह पर डिस्प्यूट राइज होता है तो उस पर बातचीत कैसे होगी उस पर वोटिंग कैसे होगी फैसला कैसे होगा तो जनरल मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो शख्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होता है वो ही जनरल मीटिंग को चेयर करता है वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अदर डायरेक्टर्स आल्सो अटेंड अच्छा अब यहाँ पे डायरेक्टर्स का आपने कॉन्सेप्ट ये देखना है के डायरेक्टर्स का वो अटेंड करते हैं जनरल मीटिंग क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मेंबर्स ने अगर कोई बात उनसे पूछनी हो कि कंपनी में ये चीज़ कैसे चल रही है या ये कैसे होता है तो वो उसको बता सकें डायरेक्टर्स डू नॉट हैव राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग लेकिन जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो मैंबर भी होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन तो जहाँ पर वो मेम्बर भी होंगे तो फिर वो अटेंड करेंगे मीटिंग और वोट भी देंगे और वो फिर एज अ मेंबर वोट देंगे यानी उनका एज डायरेक्टर कोई वोट नहीं होगा जनरल मीटिंग में एज मेंबर जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतने ज्यादा उनके वोट होंगे उस मीटिंग के अंदर अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली स्टेट्यूटरी मीटिंग की आप इसे स्टेट्यूटरी जनरल मीटिंग भी कह सकते हैं लेकिन जो लॉ में स्पेसिफिक टर्म यूज की गई है वो स्टेट्यूटरी मीटिंग की गई है तो एवरी पब्लिक कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं हैविंग शेयर कैपिटल शेल होल्ड अ जर्नल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड स्टैच्यूटरी मीटिंग तो ये एक रिक्वायरमेंट आ गई कि हर पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल होगा उसको एक मीटिंग करनी होगी मेंबर्स की जिसे स्टेट्यूटरी मीटिंग कहेंगे अब इनकेस फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ कंपनीर तो स्टेट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है अब बेसिकली स्टेटरी मीटिंग को आप एक किस्म की इनिशियल मीटिंग कह सकते हैं ये कंपनी के मेंबर्स की पहली मीटिंग होती है उसके अंदर मेंबर्स आपस में मिलते हैं डिस्कस करते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट वगैरह को कंपनी के जो पोजीशन है उसको देखते हैं और फिर कंपनी आगे रूटीन के अंदर चलती है तो अगर फर्स्ट ए पहले ही हो जानी हो तो प्लैंड uh, हो तो फिर स्टेच्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं है स्टेच्यूटरी मीटिंग की एक टाइम लिमिट है जो अभी हम आगे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे द रिक्वायरमेंट शेल नॉट अप्लाई टू अ पब्लिक कंपनी विच कन्वर्ट्स इट सेल्फ फ्रॉम प्राइवेट कंपनी आफ्टर वन ईयर ऑफ इनकॉरपोरेशन तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनती है और वो फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और इनकॉरपोरेशन के वन ईयर्स के बाद कन्वर्ट हो रही होती है तो फिर उसको जो है स्टेटू मीटिंग होल्ड नहीं करनी पड़ेगी तो ये दो सिचुएशन आ गई जिसमें स्टेटूटरी मीटिंग होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक कंपनी को भी जब Uh, उसकी एजीएम पहले ही प्लैंड हो क्योंकि उससे पहले हो जानी है उसकी टाइम लिमिट से या फिर वो ऐसी पब्लिक कंपनियों जो प्राइवेट से कन्वर्ट हुई है और वन ईयर ऑफ इनकॉरपोरेशन के बाद कन्वर्ट हुई है अब टाइम लिमिट को अगर हम देखेंगे तो टाइम लिमिट जो है वो है कि स्टेट्यूटरी मीटिंग शेल बी हेल्ड विद इन अर्यर ऑफ वन डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड नाइन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब अगर इसको अप्लाई करते हैं तो एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं so, एक कंपनी है जी जिसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो थर्ड जनवरी है तो थर्ड जनवरी से अगर आप नाइन मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर जाएंगे तो यू सी थर्ड अक्टूबर बन जाता है डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो उसकी ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल है ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल से आप वन एटी डेज कैलकुलेट करते हैं तो ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर बन जाता है तो इसमें से जो अर्लियर है क्योंकि कॉन्सेप्ट है अर्लियर का तो अर्लियर डेट अगर हम देखें इन दोनों में से तो वो थर्ड अक्टूबर की है यही हमारा आंसर होगा सेकंड सिनेरियो देखते हैं सेकंड सिनेरियो में इनकॉर्पोरेशन है सेवन जनवरी अब सेवन जनवरी से अगर आप नाइन मंथ्स कैलकुलेट करते हैं तो वो बनते हैं सेवन अक्टूबर और कमेंसमेंट हुई है जी इसकी ट्वेंटी सेकेंड फेब को तो ट्वेंटी सेकेंड फेब से जब कमेंसमेंट हुई तो इसमें वन एटी डेज जब हम ऐड करेंगे सो दैट वुड बी ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अब इन दोनों में से जो अर्लियर है दैट इज अगस्त तो ये डेट है जिस तक आपको स्टेटरी मीटिंग को होल्ड करना है सो so, ये टाइम लिमिट कैलकुलेट करने का वे होगा एग्जाम्पल वन है हमारे पास एक्सप्लेन वेदर ऑल लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टेट्यूटरी मीटिंग विद इन सिक्स मंथ ऑफ इनकॉपोरेशन अच्छा एक तो देखें ऑल को रिक्वायर्ड नहीं है सिर्फ पब्लिक को रिक्वायर्ड है जिनका शेयर कैपिटल और विद इन सिक्स मंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है वन एटी डेज और नाइन मंथ्स फ्रॉम इनकॉरपोरेशन वन एटी डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड नाइन मंथ्स फ्रॉम इनकॉरपोरेशन विच एवर इज आर्ट तो स्टेटमेंट में दो गलतियाँ हैं द स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बिकॉज ओनली पब्लिक कंपनीज़ हैविंग शेयर कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टेट्युटरी मीटिंग मोर ओवर द स्टेट्यूटी मीटिंग इज टू बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ वन एटी डेज फ्रॉम द डेट एट विच द कंपनीज़ इन टाइटल टू कमेंस बिजनेस और नाइन मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज़ अर्लियर तो स्टेटमेंट में दो मिस्टेक्स थी वो हमने आइडेंटिफाई कर दी यहाँ पर एक हमारे पास जी फिर पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन uh, है और ये है टोटल फोर मार्क्स का तो इट्स एस के जी जॉइंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी ऑन फर्स्ट फैक्ट 2018 एंड वाज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2018 तो so ये दो डेट्स जो हैं हम नोट कर लेते हैं

इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्सप्लेन वेदर यू एग्री विद द प्रपोजल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑर द अदर टू डायरेक्टर्स तो हम किससे एग्री करते हैं अच्छा अब इसमें जो सैनैरियो बनता है इन कॉरपोरेशन से आपको नाइन मंथस कैलकुलेट करने तो इन कॉरपोरेशन से अगर आप नाइन मंथस कैलकुलेट करते हैं तो दैट वुड बी फर्स्ट फैब टू बेसिकली फर्स्ट नवम्बर और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से अगर आप वन एटी डेज लेते हैं तो फर्स्ट अप्रैल से ये डेट जो हमारी कैलकुलेट होगी दैट वुड बी ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर इन दोनों में से जो अर्लियर है वो ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर है तो बेसिकली ना हम इनके साथ एग्री करेंगे ना मेजॉरिटी के साथ एग्री करेंगे जो मैक्सिमम आप जो है वो ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर तक जो है अपनी स्टेट्यूटरी मीटिंग आपको कर लेनी चाहिए तो ये हमारी डेट होगी वन एटी डेज की बेस पे दूसरा पार्ट है कि व्हाट वुड बी योर ओपिनियन इन वन अबव इफ द डायरेक्टर वांट टू होल्ड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑन ट्वेंटी सितंबर 2018 टू सो तो फिर तो देर इज नो नीड फॉर स्टेट्यूटरी मीटिंग अगर उससे पहले ही उससे अर्लियर ही ए जी एम जो है वो अगर कंपनी ने प्लान कर लिया है तो फिर स्टेट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं होगी यही चीज देखें आंसर में फर्स्ट पार्ट को इफ द डायरेक्टर डिसाइड टू होल्ड फर्स्ट एजीएम ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेंबर नो स्टेट्यूटरी मीटिंग शेल बी रिक्वायर्ड नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़ाहिर बात है जब मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें नोटिस भेजा जाता है उन्हें बताया जाता है कि मीटिंग किस डेट पर होगी किस टाइम पर होगी किस प्लेस पर होगी मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी तो नोटिस ऑफ स्टेट्यूटरी मीटिंग शेल बी सेंड टू द मेबर्स एटलीस्ट ट्वेंटी वन डेज बिफोर द मीटिंग अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ अ स्टेट्यूटरी रिपोर्ट अब ये स्टेट्यूटरी रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है ये हम जो है वो अब आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कंपनी की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो उसको हम डिस्कस करेंगे सो स्टेट्यूटरी रिपोर्ट जो है जो स्टेट्यूटरी मीटिंग में डिस्कशन के लिए बेसिकली पॉइंट्स प्रोवाइड करती है ताकि इन मामला पर बातचीत हो सके तो इसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिस्टिंग डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश और ज़ाहरी बात है कैश वाले अलग और अदर देन इन कैश वाले अलग अदर देन इन कैश का मतलब है अगर कंपनी ने किसी प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग के अगेंस्ट अगर कोई शेयर्स अलॉट किए हैं तो वो एंड स्टेटिंग द कंसिड्रेशन फॉर विच दे हैव बिन अलॉटेड तो अगर कंपनी ने किसी प्लांट uh, के अगेंस्ट शेयर अलॉट किए हैं तो वो उसकी डिटेल बता देंगे कि ये प्लांट था इतनी वैल्यू का था इतने शेयर्स अलॉट किए गए सेकेंड टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड तो देखिए नॉन कैश कंसिडेशन तो ये फर्स्ट पार्ट में कवर हो गई और कैश जो है वो दूसरे पार्ट में कवर हो गया तीसरे पे एक रिसीट एंड पेमेंट का बनेगा समरी बनेगी मेड अप टू द द डेट डेट विद इन डेज ऑफ ऑफ रिपोर्ट यानी जिस दिन आप रिपोर्ट बना रहे हैं उससे पंद्रह दिन पहले तक का जिसके अंदर अलग अलग हेडिंग में क्या बताया जाएगा रिसीट्स फ्रॉम शेयर्स डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेज तो शेयर से कितने पैसे आए डिबेंचर इशू करके कितने पैसे आए दूसरे सोर्सेज से कितने पैसे आए जितनी भी पेमेंट्स की गई हैं जो बैलेंस है रिमेनिंग इन हैंड इसमें ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं क्योंकि अब ये तो अभी फर्स्ट टाइम कंपनी बनी है ये क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है फिर फोर्थ नंबर पे एन अकाउंट और एस्टिमेट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब एक कंपनी शुरू में बनती है तो रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं फीस जमा करवाई जाती है उन सारे एक्सपेंसिस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस कहते हैं तो उनका रिकॉर्ड अकाउंट का मतलब है उनका रिकॉर्ड या उनका एक एस्टिमेट ऑफ द कंपनी शोइंग सेपरेटली एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड और टू बी पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स तो अगर खास तौर पर कंपनी ने कोई कमीशन या डिस्काउंट पे किया है शेयर्स के इशू पर या अभी पे करना है तो उसकी डिटेल भी अलग से बताई जाएगी फिर फोर्थ पर है नेम्स एड्रेस अकोपेशन ऑफ डायरेक्टर्स चीफ एग्जीकटिव सेक्रेटरी हॉल्टर्स लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी एंड चेंजेंस इफ़ एनी सेंस एंड कॉरपोरेशन यानी इन कॉरपोरेशन के टाइम से लेकर अगर कोई चेंज हुआ है तो वो सब बताना है तो इन शॉर्ट आपने कंपनी की पूरी मैनेजमेंट टीम के बारे में इंफॉमेशन बतानी है और फिर अगर उसमें कोई चेंज आया तो वो भी बताना है दैन पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड फॉर विच अप्रूवल ऑफ मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू गैदर विद प्रोपोज मॉडिफिकेशन तो अगर कंपनी कोई जनरल मीटिंग के से अप्रूवल लेना चाहती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए और उस अप्रूवल के लिए प्रॉपर प्रपोज मॉडिफिकेशन जो यानी चेंज करना चाहते हैं वो भी बताएं और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी बताएं एक्सटेंड टू विच अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कैरिड आउट टुगेदर विद द रीजनस फॉर देयर नॉट हैविंग बीन कैरिड आउट तो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है अंडर द प्रॉस्पेक्टर्स तो वो कुछ जो ऐसे प्रोफेशनल वेंचरर्स होते हैं जो अंडर का, का काम करते हैं एक किस्म का आप इसे शेयर इशू की इंश्योरेंस समझ सकते हैं जो ये आपके साथ एग्री कर लेते हैं कंपनी के साथ कि जितने शेयर आपके पब्लिक नहीं लेगी वो हम ले लेंगे और उसके अंदर वो फिर कमीशन ले रहे होते हैं अपना तो अगर पब्लिक सारे शेयर्स ले लेती है तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट नहीं हो रहा होता और अदरवाइज कैरी आउट हो जाता है तो फिर उनसे हम पैसे ले लेते हैं उनको कमीशन पे करना होता है तो वो जो शेयर इशू के कमीशन के तौर पर ये फिर काउंट होता है एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड

ऑफ़ द स्टेट ऑफ़ द कंपनीज़ अफेयर कि कंपनी के इस वक्त तक हालात कैसे चल रहे हैं सिंस इट्स इन कॉरपोरेशन एंड द बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग एनी चेंज और प्रोपोज चेंज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी तो ये सारी एक किस्म की समझ लें कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये डिस्क्रिप्टिव नेचर की इंफॉमेसन होगी नरेशन में होगी जिसमें कंपनी के प्लान और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स और अभी तक कैसे हालात चल रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा वंस अगेन ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी मेम्बर्स के लिए कि वो कंपनी के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सकें और फिर मीटिंग के अंदर ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें अब ये जो स्टेटूटरी रिपोर्ट है इसमें कुछ मामला जो हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और कुछ मामला नहीं होते तो ऑडिटर की रिपोर्ट ली जाती है उन मामला पे जिनमें कैश और रिसीट एंड पेमेंट का ताल्लुक है द स्टेटरी रिपोर्ट शेल सो फार एज इट रिलेट्स टू द शेयर अलॉटेड बाई द कंपनी द कैश रिसीव्ड In respect of such shares and to the receipt and payment of the company। यानी yani, अगर इसमें मैं बात करूँ तो ये जो पहले तीन points हमने discuss किए थे, इनसे related auditor का certificate चाहिए होगा। Be accompanied by a report of the auditors of the company as to correctness of such allotment, receipt of cash and receipt and payment। to तो auditor basically examine karega company ke shares allotment ke documents ko uske cash receipts ko bank statement wagaira se और फिर सीट एंड पेमेंट अकाउंट को और उसके बाद उस पर एक अपनी रिपोर्ट देगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक तो तब भी रिपोर्ट होगी तो नॉर्मली तहरी बात है ऑर्डर से रिपोर्ट ली जा रही होती है तो सब कुछ ठीक करना पड़ता है और फिर रिपोर्ट मिलती है सर्टिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन द स्टेट रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जैक्टिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के भी सिग्नेचर होंगे सी के साइन भी होंगे तो चीफ एग्जेक्टिव वन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी होगी तो ये एडिशनल एक सी तीन लोगों के साइन होंगे तो ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगी यानी रिपोर्ट पर इन लोगों के साइन होंगे और इसका मतलब है कि अगर फिर रिपोर्ट में कुछ गलत होता है तो उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी होंगे फाइलिंग विद रिस्टार तो रिपोर्ट की जो है वो भेजी जाती है जिस तरह हमने पढ़ा कि मेंबर्स को नोटिस के साथ लेकिन मेंबर्स को भेजने के फौरन साथ ही इसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भी भेजी जाती है फॉर रजिस्ट्रेशन द डायरेक्टर शेल स्टेट्यूटरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स एज अ फोर्थ हेड टू बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन फोर्थ विद यानी इमिडिएटली आफ्टर सेंडिंग द रिपोर्ट टू द कंपनी तो रजिस्ट्रार के साथ भी मेम्बर्स को भेजने के फौरन बाद उसकी एक कॉपी विद रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स की कॉपी Uh, रजिस्ट्रार को दी जाएगी जो उसको रजिस्टर कर लेगा लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट दे शेल कॉज अ लिस्ट शोइंग द नेम्स अकोपेशन नेशनैलिटी एड्रेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी तो तमाम मेंबर्स का डाटा होता है कंपनी के पास तो उसकी बेस पर ये एक लिस्ट बना देंगे मेंबर्स की एंड द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम दे टू बी प्रोड्यूस्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग टू रिमेन ओपन एंड एक्सेसिबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ मीटिंग तो यानी एक तमाम मेंबर्स की लिस्ट जिसमें उनका नाम ऑकोपेशन नेशनैलिटी एड्रेस उनके पास कितने शेयर हैं ये सारी लिस्ट मीटिंग के शुरू से अवेलेबल की जाएगी और एंड तक अवेलेबल रहेगी ड्यूरिंग द मीटिंग जब तक कंटिन्यू रहेगी वो अवेलेबल रहेगी कोई भी मेंबर उस को देख सकता है इस लिस्ट का फायदा ये होता है कि इस लिस्ट से आप देखते हैं कि और कौन कौन मेंबर हैं किसकी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है किसकी किस कम शेयर होल्डिंग है और फिर उनसे बातचीत करने में उनका इम्पैक्ट देखने में कि भाई अगर एक बहुत सिग्निफिकेंट होल्डिंग वाला शेयर होल्डर है तो वो जो बात कर रहा है इसका मतलब है कि वो कंपनी की जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है उस पर उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा डायरेक्टर्स को वोट देने में और बाकी चीज़ों को करने में तो उन चीज़ों को आप धन में रखते हुए मीटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं मीटिंग में डिस्कशन अगर हम बात करें द मेबर्स ऑफ कंपनी प्रेजेंट एट द मीटिंग शेल बी एट लिबर्टी टू डि एनी मैटर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और राइजिंग आउट ऑफ स्टेट्यूट रिपोर्ट यानी कंपनी को बनाने से रिलेटेड या स्टेट्यूट रिपोर्ट से रिलेटेड वो डिस्कस कर सकते हैं वैदर प्रिवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नो यानी उसका नोटिस था या नहीं था वो बातचीत किसी भी मामले पर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं बट नो रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज़ बिन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स मे बी पास्ड यानी अब फॉर एग्जांपल अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं और उसका नोटिस नहीं दिया था इक्कीस दिन पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन में तो रूल है कि ट्वेंटी वन डेज का नोटिस होगा तो फिर वो रेजोल्यूशन पास होगी तो अगर आर्टिकल्स के मुताबिक प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया था तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकेगी इसको जहन में रखते हुए जो है बातचीत किसी भी मामले पर कर सकते हैं हाँ ऐसी कोई चीज जिसमें नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा कोई डिसीजन है तो वो रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं हाँ ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें एक नोटिस की रिक्वायरमेंट थी और वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी नोटिस के अलावा वाली रिक्वायरमेंट वाली चीज़ वो पास कर सकते हैं एडजोनमेंट एडजनमेंट का मतलब होता है मीटिंग को मुलतवी करना बात ऐसा होता है कि टाइम ख़त्म हो रहा होता है और आप समझते हैं कि अभी और भी मामला आते हैं जो डिस्कस होने चाहिए तो मीटिंग को मुलतवी कर दिया जाता है सम टाइम नेक्स्ट डे पे सम टाइम नेक्स्ट वीक में तो ज़्यादा जो कॉमन है वो तो ये होता है कि जी नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पर मीटिंग दोबारा कंटिन्यू की जाती है द मीटिंग मे एडजोन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एट एनी एडजॉर्न मीटिंग एनी रेजोल्यूशन ऑफ़ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल इधर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग मे बी पास्ट अब बाजू का यह होता है कि जी मीटिंग हो रही थी तो आपने कहा एक रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए उसका नोटिस दे दिया गया और फिर डिसाइड हुआ कि जी कुछ दिन बाद दोबारा मिलेंगे तो वो दोबारा उसमें हो सकती है एन एडजॉन मीटिंग शेल हैव द सेम पावर एज ऑरिजिनल मीटिंग यानी जिस तरह आप हम लोग आज एक मीटिंग शुरू करते हैं और उस मीटिंग में कुछ बातचीत करते हैं फिर उसको एडजॉन कर लेते हैं मुलतवी कर देते हैं कि जी नेक्स्ट वीक दोबारा इस पर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और कोई फैसला हम नेक्स्ट वीक में जाके करते हैं तो वो भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना ओरिजिनल मीटिंग में होने वाला फैसला होगा यानी एडजॉन मीटिंग भी ओरिजिनल मीटिंग जितनी ही इफेक्टिव होती है तो ये पॉइंट्स थे जो हमने टाइप ऑफ मीटिंग और स्टेटूटरी मीटिंग से रिलेटेड आज डिस्कस करने थे इस वीडियो में दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे